आखिर 25 दिसंबर को 12 दिन क्यों कहते हैं? क्यों लोग इसको 12 दिन कहते हुए इस दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं? दोस्तों, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि 25 दिसंबर के दिन रोम के लोग रोमन उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते थे और एक दूसरे को बहुत सारे उपहार देते थे। बताया जाता है कि धीरे धीरे यह उत्सव 12 होता गया। दोस्तों, इसकी भव्यता को देखते हुए इस दिन को लोग 12 दिन कहने लगे। तब भी उस टाइम 25 दिसंबर को 12 दिन कहा जाता था। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन खूब दान पुण्य किया जाता है, इसलिए इस दिन 12 दिन नाम दिया गया है। मान्यता है कि इस दिन रात की अपेक्षा दिन 12 होता है, यही कारण है कि इस दिन को 12 दिन भी कहा जाता है। दोस्तों, ईसाइयों के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इसलिए ये उनके लिए सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन क्रिसमस ट्री सजाने की भी परंपरा है। क्रिसमस ट्री को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि जब भगवान ईसा का जन्म हुआ था, तभी सभी देवता उन्हें देखने और उनके माता पिता को बधाई देने आए थे। उस दिन से आज तक हर क्रिसमस के मौके पर सदाबहार फर के पेड़ को सजाया जाता है और इसे क्रिसमस ट्री कहा जाता है। दोस्तों, क्रिसमस को खास बनाती है कुछ इसकी मान्यताएं और परंपराएं। चलिए आपको बताते हैं, क्रिसमस को खास उसकी परंपराएं बनाती है। इनमें एक संता निकोलस है, जिनका जन्म ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 280 साल बाद मायरा में हुआ था। उन्होंने अपने पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। उन्हें लोगों की मदद करना बेहद पसंद था। यही वजह है कि वो यीशु के जन्मदिन के मौके पर रात के अंधेरे में बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। इस वजह से बच्चे आज भी अपने संता का इंतजार करते हैं। दोस्तों, क्रिसमस ट्री का और भी ज्यादा महत्व है। दूसरी अहम परंपरा जो है इसका, दोस्तों, क्रिसमस ट्री यीशु के जन्म के मौके पर एक फर के पेड़ को सजाया गया था, जिससे बाद में क्रिसमस ट्री कहा जाने लगा। दोस्तों, क्रिसमस ट्री की जो महत्वपूर्ण दूसरी अहम परंपरा है, क्रिसमस ट्री को यीशु के जन्म के मौके पर एक फर के पेड़ को सजाया गया था, जिसे बाद में क्रिसमस ट्री कहा जाने लगा। इसके अलावा एक और परंपरा कार्ड देने की है। इस दिन लोग एक कार्ड के जरिए अपनों को शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।